एक तरफ बिहार में कोरोना वायरस का तेजी से प्रसार फैलता जा रहा है, वहीं अब राज्य में बाढ़ से मची तबाही की वजह से हालात और बदतर हो गए हैं। ऐसे में इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो विपक्षी पार्टी जनता दल और बीजेपी का गठबंधन वाली बिहार सरकार पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दरअसल आरजेडी काफी समय से राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर हमलावर है। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने बिहार की गठबंधन वाली सरकार वाला तल्ख टिप्पणी की है। लालू यादव ने ट्वीट कर कहा है कि डबल इंजन की सरकार में ईंधन नहीं बचा, दोनों इंजन कबाड़ हो गया है। इनके कबाड़ के जुगाड़ से बिहारी त्राहिमाम है, जल्दी हटाओ इन्हें बिहार से। आपको बता दें कि लालू यादव फिलहाल जेल में हैं, तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव की सारी जिम्मेदारी उनके बेटे तेजस्वी यादव के कंधों पर है। वहीं तेजस्वी यादव लगातार कोरोना वायरस को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और अब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। न्यूज डेस्क।